Hello everyone, my name is Aditya Dubey. Welcome back to my channel on MPPSC preparation. इस लेसन में मैं बताऊंगा आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि एमपीपीएससी के द्वारा अभी लॉन्च की गई है वैकेंसी. आप में से काफी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, इसके लिए मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई हैं, कुछ कमेंट्स आए हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं और इसके बारे में पूरा सिलेबस, स्टडी मटेरियल, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों चाहे हिंदी मीडियम के हों, और कुछ स्ट्रैटेजी शेयर कर सकूं. वैसे मैं जानता हूँ ज्यादातर वीडियोस ये वाला वीडियो ज्यादातर लोग इसलिए क्लिक करेंगे क्योंकि उनको पेपर टू का सेकंड मटेरियल के कंसर्न चाहिए, लेकिन मैं ये वीडियो कंसर्न कर रहा हूँ सभी के लिए जिनको अगर इस एग्जामिनेशन के बारे में नॉलेज नहीं है और वो इस एग्जाम को देना चाहते हैं. तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की. सहायक कुल सचिव परीक्षा मीन्स असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन 2018, इसकी योजना के बारे में बताया गया है कि ये दो फेजेस में एग्जाम होगा. पहला होगा लिखित परीक्षा मीन्स रिटन एग्जामिनेशन, जो कि होगी ऑनलाइन पद्धति से, मीन्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपको. दूसरा होगा साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू. ठीक है, अब जो फर्स्ट फेज रहेगा, जो हमारा रिटन एग्जामिनेशन, वो दो फेजेस में डिवाइडेड है, मीन्स सब डिवाइडेड है. पहला फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर. फर्स्ट पेपर डील करता है सामान्य अध्ययन मीन्स जनरल स्टडीज, जो हम अभी बेसिक, अगर आप प्रीलिम्स एमपीपीएससी की प्रिपरेशन किए होंगे तो आप सभी इसके बारे में जानते होंगे. और दूसरा जो पेपर रहता है वो डील करता है शिक्षा एवं प्रशासन से. ये दोनों पेपर के लिए समय एक ही रहेगा, 2 घंटे का. लेकिन आप फर्क यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट पेपर के मार्क्स जो है वो 150 मार्क्स हैं और सेकेंड पेपर का वेटेज कुछ ज्यादा है. हालांकि क्वेश्चन दोनों के सेम है, मीन्स क्वेश्चन दोनों में 150 रहेंगे, लेकिन सेकेंड पेपर का जो पेपर का वेटेज रहेगा वो 2x ज्यादा रहेगा. ठीक है, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा और हर एक प्रश्न पत्र की आपको अवधि मीन्स टेन्योर आपका 2 आवर का रहेगा. अब इसका सिलेबस जान लेते हैं फर्स्ट पेपर का. अच्छा, यदि आप में पेशेंस नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि सीधे सेकंड पेपर में डाइव करना चाहते हैं तो आप थोड़ा वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ा सकते हैं, जहां मैंने आपको पेपर टू के बारे में डिस्कस किया है. और यदि आप ये वीडियो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि मैं फर्स्ट पेपर के बारे में पहले डिस्कस करूंगा. फर्स्ट पेपर जो हमारा डील करता है सामान्य अध्ययन मीन्स जनरल स्टडीज, तो इसमें है जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण. इसमें बेसिक जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि किसी भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए जरूरी नहीं है. मीन्स आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उसके लिए नहीं होना है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए किसी भी एजुकेटेड इंडिविजुअल को जो बनते हैं. आपको इसमें एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जनरल साइंस के फैक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स में हो सकता है लिफ्ट का ऊपर जाना में वजन का फर्क क्या पड़ता है, अगर बर्फ बर्फ को आइस क्यूब अगर ग्लास में रहेगा तो वाटर का लेवल में क्या फर्क आएगा. इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं वो इस टॉपिक में कंसर्न करते हैं. ठीक है, इसके अलावा इसमें दिया हुआ है एनवायरमेंट. ओके, एनवायरमेंट पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें चाहे किसी भी की, तो एनवायरमेंट भी आपको इसमें कवर होगा. और रही बात बुक्स की, तो मैं बुक्स आपको आने वाले टाइम में, आने वाली स्लाइड्स में बताता हूँ कि आप किस बुक्स को रेफर कर सकते हैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए. इसके अलावा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं मीन्स करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. ये आपको अपनी मैगजीन से कवर करना है, क्योंकि इसमें करीब 1 साल का आपको करंट अफेयर पूछा जा सकता है. सिंस ये एग्जाम ऑनलाइन है तो आपको बिल्कुल अपडेट रखना है अपने आप को. आपका एग्जाम अगर जुलाई में है तो आपको जुलाई तक का ही अपडेट रखना होगा अपना करंट अफेयर, क्योंकि कंप्यूटर में जल्दी ही क्वेश्चंस अपडेट हो जाते हैं और ये कई शिफ्ट में होगा पेपर. दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडिपेंडेंट इंडिया, ये भी आपके बेसिक्स क्वेश्चंस रहेंगे. इसमें आपको हिस्ट्री, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन इसमें. और इंडियन नेशनल मूवमेंट के काफी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसने हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट दिलाने में हेल्प की. अब आता है हमारा ज्योग्राफी मीन्स भारत का भूगोल. इसमें आपको जनरल नॉलेज क्वेश्चन फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पूछे जाएंगे, जो कि आपने लूसेंट्स में पढ़े होंगे जरूर. और इसमें इंडियन एग्रीकल्चर भी है. अच्छा, अगर आपकी लूसेंट में इंडियन एग्रीकल्चर नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका मटेरियल अलग से प्रोवाइड कर दूंगा. और वैसे अगर आप थोड़ा अवेयर हैं इस एग्जाम्स के बारे में, ज्यादा सीरियस रहते हैं, तो आपने जरूर सुना होगा यूपी में एक लोअर सबॉर्डिनेट का एग्जाम होता है, तो उनकी एक लोअर सबॉर्डिनेट सब समय घटना चक्र बुक पब्लिश होती है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो वो आप परचेज कर सकते हैं या आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा डेमोग्राफी और सेंसस मीन्स हमारी जो सेंसस है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो इंडिया के हों, पूरे के पूरे इंडिया में पूछा गया है.
इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जनरल ज्योग्राफिकल अवेयरनेस ऑफ वर्ल्ड, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एटलस और मैप को देखने के बाद ही आएगी। आपको ये पूछा जा सकता है कि ये कंट्री कहाँ पे है, मीन्स किस 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 कॉन्टिनेंट में आती है, या आपसे पूछा जा सकता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन सी कंट्री नहीं आती है, या कौन सी कंट्री किस समूह का मेंबर, एक ग्रुप की मेंबर कंट्री है या नहीं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस जनरल ज्योग्राफिकल अवेयरनेस के पूछे जा सकते हैं। दूसरा है फिर बाद में इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, ये आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। पंचायती राज इसमें आपको दिख रहा है, ये आप अगर पटवारी की प्रिपरेशन किए होंगे तो आप तो जरूर इसके बारे में पीएचडी कर चुके होंगे, और यदि आप बेसिक अगर आपने पटवारी के एग्जाम्स नहीं दिए हैं तो आप इसके बारे में मटेरियल ऑफकोर्स डाउनलोड इजिली कर सकते हैं, क्योंकि पटवारी के टाइम में इसका बहुत ज्यादा क्रेज हुआ था और सारे मटेरियल इसका अवेलेबल है। सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज, प्लान, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड और इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे, और आप इसके बारे में प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये कॉन्टेंट इजिली अवेलेबल है। आप ये ल्यूसेंट से भी देख सकते हैं, और इसके बारे में थोड़ा अगर आप चाहें तो मैं आपको और कॉन्टेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब आता है एक और स्कोरिंग पार्ट जो है स्पोर्ट्स मीन्स खेलकूद। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमारे एमपी से रिलेटेड ज्यादातर और इंडिया के रिलेटेड। वैसे इसमें दिया हुआ है एशिया और वर्ल्ड से रिलेटेड, लेकिन अगर कुछ ज्यादा प्रोमिनेंट केसेस हुए होंगे मीन्स अगर प्रोमिनेंट विक्ट्रीज अगर इंडिया की परस्पेक्टिव से हुई होगी एशिया और वर्ल्ड में तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे आपको फोकस ज्यादा करना है एमपी में और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट गेम्स और स्पोर्ट्स टूर्नामेंट पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से गेम्स होते हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं। इसमें वैसे बताया नहीं है आपको कि आपको प्रमुख शब्दावली जा सकती है खेल की, लेकिन आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को कि अगर एग्जाम में आ जाए तो। और आपको अवार्ड्स जानना है कि किस व्यक्ति को कौन सा अवार्ड मिला है इस साल या पिछले साल, और जो स्पोर्ट्स के वेरियस बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं आपको उनके बारे में जानना है और पढ़ना है। इसके अलावा है ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ एमपी, ये यहां से शुरू हो जाता है हमारा एमपी मींस मध्य प्रदेश का भूगोल एवं इतिहास तथा संस्कृति। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग इसको निग्लेक्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहले एमपी को बहुत स्ट्रांग करना है अपने। चाहे आप जितनी भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकें, आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो, चाहे आपके पास भादुरिया जी की मध्य प्रदेश एक परिचय हो, या आपके पास मध्य प्रदेश की मानचित्रावली हो, चाहे महावीर पब्लिकेशन की हो, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की हो, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, माउंटेन रिवर्स और ये जितने भी टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं। ओके, अब आता है पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी, ये भी एमपी से डील कर रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, ये आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक से आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। योजनाएं, आर्थिक कार्यक्रम, व्यापार, जनांकिकी और जनगणना, ये सब आपको उस बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और खास तौर से आपको एमपी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, मींस आपको ये जानना है कि एमपी की रीजनल पार्टीज कौन कौन सी हैं और उसमें किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी विक्ट्री हुई है। ये आपको बेसिक फैक्ट्स जानना ज्यादा जरूरी है, और खासतौर से वुमेन्स, अगर कोई भी महिला अगर एमपी में कोई एक लीडर के रूप में उभरी है पॉलिटिकल पार्टीज में, तो आप उनके बारे में भी जान सकते हैं। अब आता है जनरल मेंटल एबिलिटी मींस सामान्य मानसिक योग्यता, ये आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग पार्ट है, तो आप इसको बेसिक कवर कर सकते हैं। अगर आप व्यापम वगैरह के कोई एग्जाम प्रिपेयर किए होंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आपको व्यापम का या कोई भी सब्सिक्वेंट एसएससी लेवल के एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हुए हैं और जो व्यापम में पूछे गए हैं, चाहे वो लेबर इंस्पेक्टर में पूछे गए हैं, तो आप उनको डाउनलोड कर लीजिए उनके पेपर को। आपको मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर देता हूं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप पूरे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने के। अगर आपको नहीं बनते हैं तो आप यूट्यूब में इसके वीडियोस देख सकते हैं और आप सीख सकते हैं, ये ज्यादा टफ नहीं रहता है, काफी ईजी रहता है। फिर आता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये एमपीपीएससी का काफी फेवरेट टॉपिक है और एक ट्रेडिशनल टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या अगर आप इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो आप दैट वुड बी एन आइसिंग ऑन केक, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा ये। लेकिन अगर आप नॉन इंजीनियर हैं तो आपको थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। वैसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि सर्च इंजन्स वगैरह पूछे जाते हैं, तो सर्च इंजन्स की मैं आपको लिस्ट आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर देता हूँ, और एक जो कि हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स को भी डील कर लेगा, और साथ ही साथ ये जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जो हमारी शब्दावली होती हैं टेक्नोलॉजी की, जैसे हैकिंग क्या होती है, क्रैकिंग क्या होती है, ऑनलाइन में वेबसाइट में क्या होता है, ठीक है, सीएसएस क्या होता है, एचटीएमएल क्या होता है, तो ये जो वेब टेक्नोलॉजीज होती है इनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं आपसे और इनका थोड़ा सा यूजेस पूछा जा सकता है। ज्यादा टफ नहीं रहेंगे, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। लोअर सबऑर्डिनेट की एग्जाम की एक बुक आती है जो एमसीक्यू से डील करती है, आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं, और बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं हैकिंग क्रैकिंग से रिलेटेड। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में और, तो एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं, वही स्टैंडर्ड फॉलो होता है इसमें भी।
अब मैं बताता हूं कि क्या बुक्स और क्या रिसोर्स आप प्रेफर कर सकते हैं पेपर वन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला है जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट। आप इसको ल्यूसेंट आपके पास होगी, हर एक एमपी के एस्पिरेंट के पास ल्यूसेंट जरूर होती है, तो आप ल्यूसेंट आप अपनी रखिए, आप एक्स्ट्रा मत ज्यादा खर्च मत कीजिएगा कोई दूसरी बुक में, आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि आपके पास एडिशनल एमसीक्यू वाली ल्यूसेंट भी है तो आप उसको पूरी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रिफर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप घटना चक्र जरूर खरीदेगा। घटना चक्र बहुत अच्छी बुक है, आप एनवायरमेंट उसकी एक अलग बुक आती है एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो आप उसको खरीद सकते हैं, वो पूरा एमसीक्यू कवर करती है। और सबसे अच्छी बात उस बुक के साथ ये रहती है कि आपको एमसीक्यू के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन मिलता है 4-5 लाइन का, जो आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझा देता है ताकि आप दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर सके। अच्छी बात यह है कि ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, पहले ये इंग्लिश में नहीं आती थी, सिर्फ हिंदी में आती थी, अब आप इसको इंग्लिश में भी खरीद सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर करूंगा आपको, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मीन्स आपको 1 हफ्ते तक का समय लग सकता है, सिंस एग्जाम में टाइम कम है, तो ज्यादा प्रेफर ये रहेगा कि आप अपने रीजनल या लोकल अपने स्टोर में बुक स्टोर में जाके आप तुरंत परचेस कर सकते हैं और आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट सेक्शन घटना चक्र से अच्छा किसी बुक में मुझे नहीं लगा है। अच्छा, और दूसरी चीज है जनरल साइंस, तो जनरल साइंस की आपके पास लूसेंट होगी ही, या अगर आप जनरल साइंस की भी घटना चक्र लेना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के लिए तो आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है, तो आपको कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, चाहे वो घटना चक्र से रिलेटेड हो या आपकी वर्तमान जो दूसरे पब्लिकेशंस हैं उनसे रिलेटेड हो, आप उनके बारे में कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एक और चीज कि रोजगार और निर्माण, ये एमपी का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है, ये आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, ये काफी अच्छा है, इसमें बहुत अच्छी न्यूज़पेपर होती है और इसी से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं करंट अफेयर के, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। आप इसको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये पेपर 15 रुपीज का कॉस्ट करता है अगर आप फिजिकल कॉपी लेंगे, मैं प्रेफर करता हूँ ऑनलाइन, आप सीधे मोबाइल में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा है हिस्ट्री, हिस्ट्री डील करता है हमारा बहुत बड़ा पार्ट, तो आप ल्यूसेंट आपके पास है आप उससे पढ़ सकते हैं, या अगर आप ज्यादा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं एफर्ट तो आप घटना चक्र ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री की सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी भी आप घटना चक्र में प्रेफर कर सकते हैं, और जनरल ज्योग्राफिकल अवेयरनेस की बात की जाए तो आपको एटलस और मैप रीडिंग जरूर करनी है, मीन्स आपको एटलस बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपको हर एक मैप को अच्छे से देखना है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे आती है और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव वहां पे डील करते हैं। इसके अलावा हम डील करते हैं पॉलिटी इकोनॉमी और स्पोर्ट्स के साथ। पॉलिटी इकोनॉमी स्पोर्ट्स आप ल्यूसेंट से कवर कर सकते हैं, घटना चक्र से कवर कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खासतौर से मैगजीन से कवर कीजिएगा जो कि अभी पब्लिश होगी, और आप उसके बारे में बेसिक टर्मिनोलॉजीज और कौन कौन ने क्या क्या जीता है आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब एमपी की बात की जाए कि ज्योग्राफी हिस्ट्री और पॉलिटी, तो आप एक अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप मैग्रो हिल पब्लिकेशन की इंट्रो टू एमपी, ये बुक अभी नवंबर 11, 2017 को पब्लिश हुई है, फर्स्ट एडिशन, आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें पूरा आपको बताया गया है हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी और पूरा एमपी का सिलेबस कवर किया गया है, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे वो मेंस के लिए हो। इसके अलावा आप हिंदी एडिशन अगर प्रेफर करते हैं तो एमपी एक परिचय आती है, तो आप इसको इसी पब्लिकेशन हाउस की है तो आप ले सकते हैं, या आपके पास कोई दूसरी एमपी की बुक है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं अगर आप ये नहीं खरीदना चाहते हैं तो। फिर लास्ट टॉपिक हमारा पेपर वन का है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये जो है घटना चक्र पब्लिकेशन की लोअर सबऑर्डिनेट की आती है बुक, जो कि एमसीक्यू से डील करती है यूपी की, तो आप वो खरीद सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। और ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर एमपीपीएससी प्री के सॉल्व करें, क्योंकि उसी से क्वेश्चंस जनरली रिपीट होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से समझ सकेंगे। अब हम शुरू करते हैं पेपर टू। पेपर टू डील करता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहली स्लाइड मैंने इंग्लिश में ये वाला इसलिए रखा हुआ है, बाकी स्लाइड मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा हूं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं जो कई लोगों से गलती हो सकती है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो उसमें बताया गया है कि पैसेज विल बी सेट इन हिंदी, मतलब ये पैसेज आपको हिंदी में मिलेगा ना कि इंग्लिश में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश मीडियम वाले कुछ लोग गलती कर लेते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखा और अंदर का कॉन्टेंट पढ़ते नहीं है और सीधे पैसेज लगाना शुरू कर देते हैं इंग्लिश का, तो आपको ये पहले देखना है कि पैसेज जो रहेगा आपका हिंदी में रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उस पैसेज से रिलेटेड आपको पूछे जाएंगे। कम्युनिकेशन के बारे में आपको पूछा जाएगा, कम्युनिकेशन में आपको नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स बैरियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के आपको पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव। अब इसके बीच में इसका कंटेंट की अगर बात की जाए तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट दे देता हूं, और आप अगर चाहते हैं कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक अलग एमसीक्यूज चाहिए या आपको इससे रिलेटेड कोई कंटेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। फिर आता है हायर एजुकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हायर एजुकेशन की बात की जाए तो स्ट्रक्चर और मोड हायर एजुकेशन का पूछा जा सकता है, मैं आपको इसका कॉन्टेंट दे देता हूं।
अब नीचे जो मैं अंडरलाइन किया हूं पहले मैं उसको बता दूं। पहला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम ऑफ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ये जो टॉपिक है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये एमपीपीएससी मेंस के पेपर टू के सेकंड पार्ट के नाइन्थ कॉलम से भी डील करता है जो कि पूरा सेम है। तो मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, अभी कल ही मैंने अपलोड किया ये वीडियो, आप देख सकते हैं इसको और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैंने इंग्लिश में स्लाइड बनाई हुई है लेकिन एक्सप्लेन हिंदी में किया हुआ है, तो आप चाहे किसी मीडियम के हो आपको हेल्प कर सकता है ये। इसके अलावा है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसका मैं वीडियो अभी आधे घंटे बाद अपलोड करूंगा क्योंकि ये हमारे एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस है। अब बात की जाए दूसरे इंस्टीट्यूट्स की, मीन्स एमसीआई, एनसीटीई और बाल काउंसिल ऑफ इंडिया, इनके बारे में मैं आपको कॉन्टेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। फिर मैं बताता हूँ कि एमएचआरडी मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और उसके एसोसिएट यूनिट मीन्स डीएसटी, डीबीटी, एनआईसी एक्सेट्रा, इसके ऑब्जेक्टिव और प्रोग्राम, इसका भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आता है इंटरनेशनल बॉडीज, यूनेस्को, ठीक है, ये जो जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज दी है इनका मैं वीडियो जल्दी ही बना दूंगा और वैसे मैं उसका कॉन्टेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये जो अंडरलाइन है वर्ल्ड बैंक, देयर ऑब्जेक्टिव एंड प्रोग्राम, इसका मैंने वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने इसका वर्ल्ड बैंक पूरा कवर किया हुआ है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और मैंने साथ ही साथ एमसीक्यू भी कवर किए हैं अगर वर्ल्ड बैंक की बात की जाए क्लाइमेट चेंज के साथ, तो आप उसको देख सकते हैं वीडियो, उसको भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर आता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आता है सामान्य प्रशासन। अब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों स्लाइड को पैरेलल चलाऊंगा। तो इसमें है रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब केंद्र और राज्य प्रशासन के बीच में संबंध। ये आप अपनी लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी बुक आती है आप उससे पढ़ सकते हैं क्योंकि ये कंटेंट बहुत ही ज्यादा उसमें अच्छे से दिया हुआ है। साथ ही साथ बी पार्ट जो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से डील करता है, ये भी आपको इजिली लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। अच्छा, यदि आपके पास लक्ष्मीकांत नहीं है, वैसे तो सभी एस्पिरेंट्स के पास होती है और पढ़ता कोई नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ उतना पार्ट फोटोकॉपी करा सकते हैं या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे देता हूं और आप उतना पार्ट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके अलावा है रोल्स ऑफ कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड तहसीलदार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। आपको ये रोल पता वैसे भी होना चाहिए क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं इसका वीडियो जल्दी ही बना दूंगा। दूसरी चीज है ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, इसका भी मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। जितने भी अंडरलाइन टॉपिक हैं और खासतौर से अगर रेड की बात की जाए तो मैं उसका वीडियो बना चुका हूं या मैं बना दूंगा, ठीक है। तो फिर अब यहां पे बात करते हैं जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की, तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने ये भी वीडियो बनाया हुआ है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में, काफी मैंने पूरा इलेबोरेटेड कवर किया हुआ है, ये एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस में भी आता है क्योंकि, और जितना भी टॉपिक है अगर आप चाहते हैं मैं आपको पूरा कॉन्टेंट इसका प्रोवाइड कर देता हूँ। फिर आता है हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट 1973, ये जो एक्ट है इसका मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, मैंने कई ग्रुप्स में भी शेयर किया हुआ है, वहीं से मेरे को इंस्पिरेशन मिली कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरा एक फोल्डर के अंदर पूरा आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं, सारी जितनी भी पीडीएफ हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सबको इनकलकेट कर दूं एक पीडीएफ के अंदर और आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और आप देख सकते हैं। मैं समय आने के साथ उसको अपडेट करता जाऊंगा ताकि आप देख सकें और उसको अपडेट कर सकें। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन की बात की जाए मध्य प्रदेश की, मीन्स मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा प्रशासन की, तो इसका उद्देश्य और गठन, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, इसका मैं वीडियो जल्दी बना दूंगा। यूजीसी में पहले बना चुका हूँ, एआईसीटीई अपलोड होने वाला है, वर्ल्ड बैंक में बना चुका हूँ और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के मैं जल्दी ही बना दूंगा, ठीक है। अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, विश्वविद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ई गवर्नेंस टॉपिक, ई कॉमर्स, ये जो सब्जेक्ट्स दिया हुआ है कि कंप्यूटर का क्या यूज है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, बेसिक बुक्स है लोअर सबॉर्डिनेट की पढ़ सकते हैं, और मैं इसका कंटेंट भी आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के साथ अपलोड कर दूंगा जल्दी ही। और ऑफिसर्स अथॉरिटी, ये जितने भी कॉन्टेंट है मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। फिर आता फाइनेंशियल बजट, ये आप अगर कॉमर्स वाले हैं तो आपके लिए तो आइसिंग ऑन द केक है क्योंकि आपको ये इजिली बन जाएगा। तो ये आपकी कोई भी कॉमर्स वाला कोई दोस्त होगा आप उससे कंटेंट ले सकते हैं उसका, वैसे मैं इसका कंटेंट पूरा अवेलेबल करा दूंगा, ओके। फिर आता है हमारा खत्म, अब सिलेबस ही खत्म। तो ये सेकंड पेपर इतना ही था,
सेकेंड पेपर का कंटेंट मैं आपको पूरा 100% एश्योरेंस तो नहीं दे सकता, पर लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा कि 99% मैं आपको सिलेबस पूरा प्रोवाइड कर दूं। आप मुझे बस अपना मीडियम बता दीजिए, ताकि आप, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो मैं आपको इजिली प्रोवाइड कर सकता हूँ, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकता हूँ, ताकि आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है, अगर आपने उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसकी, चाहे वो यूजीसी की हो, चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन की हो, या किसी भी दूसरे टॉपिक की हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूँ अपने चैनल को और मेरा चैनल ग्रो हो सके। थैंक्स फॉर नाउ, हैप्पी प्रिपरेशन, बाय।